नमस्ते, आप अकेले आइए? नहीं, हाँ साथ में कोई है, बुलाना है कि नहीं बुलाना है? ठीक है, बताइए आप। प्रोजेक्शन चाहिए ज़्यादा ना होना जाएगा, सपोर्ट नहीं है आपको बिल्कुल। ठीक है, बहुत तो मतलब फैट लगता है। हाँ, और ये फेस भी जरा अलग ही हो रहा है, सिर मेरा पूरा बिगड़ गया। सही तो है? नहीं मतलब ऐसे गोल नहीं दिखता। अच्छा, वो आपको स्वेलिंग ज्यादा लग रहा है? हाँ, सब बड़ा दिखता है बहुत। और ऐसे ये भी नहीं है, शेप में नहीं लगता मुझे। सब करना है तो ज्यादा प्रोसीजर लगेगा फिर, ये सब जरूरत नहीं है। ये थोड़ा हल्का से चीक कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, हल्का सा, उसके अंदर टाइम भी नहीं लगेगा, कॉस्टिंग भी लगेगा ना, टाइम लगेगा कॉस्टिंग भी लगेगा, लेकिन करने से ये ज्यादा टाइट भी होगा साइड में, क्योंकि इसको प्रोजेक्शन जब मिलेगा आपको, यहाँ ये लाइन भी अलग है। हाँ, वो कम होगा वो लाइन अपने आप। वो लाइन कम करने के लिए आपको राइनोप्लास्टी के अलावा कुछ और प्रोसीजर नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे कम करना होगा तब उसको चीक कॉन्टोरिंग करके थोड़ा कम कर सकते हैं विड्थ को। हाँ, करना है वो भी। हाँ, आपको कब करना है ये सब? अभी मतलब जो मेरे पहले हस्बैंड है ना, हाँ, वो ऑफ हुए, तो उनकी जगह मेरे को अभी जॉब लग रहा है गवर्नमेंट, तो मेरे एक महीना है उनका डॉक्यूमेंट भी वो सब करने है, इसलिए मैं अगले मंथ आ जाऊँगा। ठीक है, तो फिर अभी पूरा प्लान करके बताएंगे आपको डिटेल्स। हाँ, क्या क्या है। हाँ, डिटेल्स खर्चा वो पूरा, फिर अगले मंथ आके मैं एडमिट हो जाऊँगा। आपका स्कैन भी लिए नहीं? हाँ, लेकिन सर्जरी पे जब आएंगे तो स्कैन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तभी मालूम होगा अंदर में सेप्टम कैसा है, सेप्टल ऑगमेंटेशन कितना करना है, ये सब। ठीक है ना? और आपको कोई और मेडिकल इश्यूज है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने ये करवाया था। वो नो प्रॉब्लम, वो सर्जरी का ना? हाँ, सर्जरी। वो स्कार नहीं आएगा, और विदाउट स्कार हम निकाल देंगे रिब, तो आपको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर जो भी साथ आप बात करो उनसे, कॉस्टिंग सब कुछ आपको डिटेल बता देंगे, और उसके उसमें होगा या अलग चार्ज? अलग होगा, अलग। वो तो मुंह के अंदर से करना पड़ता है। हाँ, चीक पूरा यहाँ तक करेंगे। हाँ, ये राइनोप्लास्टी मुंह के अंदर से नहीं करेंगे, नाक के अंदर से करेंगे, तो दोनों अलग अलग होता है। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। जो मैं बहुत वीडियो देखती हूँ आपकी। हाँ, हाँ। मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं यूट्यूब देखते देखते यहाँ तक आ गई। ऐसे ही मैंने सर्च किया गूगल पे नोट्स के लिए, तो फिर आपका आया। मतलब पहले भी दूसरे आए थे, पर वो बॉम्बे पे मुझे भरोसा ही नहीं है, बहुत झूठे होते हैं लोग, तो इसलिए मैंने फिर ना आपका क्लिक किया, तो रोज वीडियो देखती सोते टाइम, कुछ भी मतलब बोर हुआ कि आपकी वीडियो ही देखती। फिर इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये अच्छा हुआ। और मतलब ना कितने लोगों की जिंदगी भी सुधर सकती ना इससे, ऐसे तो बहुत सी लड़कियों की। अभी भी रेनोप्लास्टी ही करके आया हूँ मैं, अभी आप वेट कर रही थे ना ऊपर। एक अनमैरिड लड़की आई है ना, मैं आपको। हाँ, नहीं नहीं, ये देखो अभी भी किया है। हाँ, टाइम देखो 141। हाँ, अभी देखो ये सर्जरी से पहले, अभी आप दिखाएंगे, देखो शार्प हुआ है ना, शार्प प्रोजेक्शन। ऐसे ही करेंगे आपको भी सिमिलर, इनका तो लिप में भी क्या है, आपको लिप में जरूरत नहीं पड़ेगा, बट देखो मतलब डेफिनेशन नहीं था थोड़ा सा, ये भी कहीं महाराष्ट्र से ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हो जाएगा आपका भी रिजल्ट। आप पहले बात करो, अपॉइंटमेंट ले लेना, बिकॉज 7 days 9 days तक आप पकड़ो। हाँ, सर्जरी के बाद। हाँ, 10 days तो बहुत अच्छा रहेगा फिर, और अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ताकि जब आप आओगे तो कोई दिक्कत नहीं। सर, मेरे को ना इस कार का कहीं होगा यहाँ पे? नहीं, जो ये निशान हो गए ना फिर, इसका कुछ नहीं हो? नहीं, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। कोई डॉक्टर याद है कुछ स्किन उधेड़ते बोलते उससे होता है? लाइक लेजर रीसरफेसिंग की डर्माब्रेशन, वो जो भी करो ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, बस ज्यादा नहीं हो पाएगा। हाँ,
मत करो, ऑलरेडी इतना कर रहे हैं ना हम, तो उसके साथ में जरूरत नहीं है। ये थोड़ा टाइट भी हो जाएगा ना? हाँ थोड़ा टाइट हो जाएगा, ठीक है।